डियर फ्रेंड्स वेलकम टू एग्जाम सेवेंटी फाइव आज मैं आप लोगों के लिए क्लास सिक्स से लेशन फोर जिसका नेम है अ विजिट टू रिथ डॉक्टर विच इज रिटन माई रोल डैल ये रोल डैल की एक बचपन की एक टैल्स है एक कहावत है एक स्टोरी है जो घटना उनके साथ बचपन में हुई थी उस घटना को रोल डहल हमारे साथ इस स्टोरी में शेयर कर रहे हैं सो so, इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ एंड यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए ओके सो लेट स्टार्ट आई हैव ओनली वन अनप्लीजेंट मेमोरी ऑफ द समर हॉलीडेज इन ने यहाँ पर स्टार्टिंग से रोल डहल शुरू कर रहे हैं आई हैव ओनली वन अनप्लीजेंट मेमोरी अनप्लीजेंट मेमोरी मतलब एक ऐसी मेमोरी एक ऐसी याददाश्त जो मुझे पसंद नहीं है जो मुझे पसंद नहीं है अच्छी नहीं लगती तो रोल डाल बता रहे हैं कि मुझे मेरे बचपन में गर्मियों के समय भी शमर हॉलीडेज़ मतलब जब गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी स्कूल की उस समय की एक बहुत ही अजीबोगरीब बहुत ही बेकार सी मेमोरी मेरे दिमाग में है जो कि मुझे याद है और उस समय मैं कहाँ था मैं गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए नॉर्वे आया हुआ था वी वर इन द ग्रैंड पेरेंट्स हाउस इन ओशलो अब रोल रेल बता रहे हैं कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ आया था मैं अपनी माँ के साथ ओशलो में अपनी दादी के यहाँ रहने के लिए आया था मतलब गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने के लिए जाते हैं बच्चे है ना दादा दादी नाना नानी तो जो रोल डाल है वो अपनी माँ के साथ अपनी दादी के यहाँ गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने के लिए गए एंड उसी टाइम पे उनकी शायद कोई ऐसी मेमोरी है जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो जाने की कि ऐसी कौन सी मेमोरी है उनकी माई मदर सात टमी मेरी माँ ने मुझसे कहा किसकी माँ ने रोल डहल की माँ ने डहल से कहा वी आर गोइंग टू द डॉक्टर दिस आफ्टर उनकी माँ ने कहा कि बेटा डहल हम आज दोपहर को ही डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं ही वॉन्ट्स टू लुक एच योर नोज एंड माउथ डॉक्टर को तुम्हारा मुँह एंड नोज चेक करानी है इसी लिए हम आज दोपहर में डॉक्टर के यहाँ जाएंगे ओके अंडरस्टैंड ओके आई थिंक आई वॉज एट एट द टाइम रोल डाल कहते हैं कि शायद मैं उस समय आठ साल का था आठ साल के बच्चे वैसे भी ज़्यादा बड़े तो होते नहीं हैं छोटा सा बच्चा था तो so, मैं आठ साल का था एंड वट्स रॉन्ग विद माई नोज एंड माउथ माओ थोल डहल ने अपनी माँ से पूछा माँ मेरे मुँह और मेरी नोज़ को क्या हो गया है जो हम डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं अब देखो उनकी माँ क्या बताती हैं नथिंग मच माई मदर सेट ढेल की माँ ने कहा बेटा तुम्हारी नोज एंड मुँह को कुछ भी नहीं हुआ है बट आई थिंक यू हैव गॉट एडेनॉइड्स लेकिन हाँ मुझे लगता है कि तुम्हें एडेनोइड्स हो गया है वॉट इज द मीनिंग ऑफ एडेनॉइड्स एडेनोइड्स मतलब क्या होता है एक प्रकार की गिल्टी जैसे आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रही है ना तो एक प्रकार की क्या हो गई है रोल डाल के मुंह में गिल्टी हो गई है उसी गिल्टी के चेकअप कराने के लिए उनकी माँ उन्हें डॉक्टर के यहाँ ले जाना चाहती हैं नेक्स्ट डोंट वरी अबाउट इट शी said. तब रोल की माँ ने कहा तुम इसके लिए कोई चिंता मत करो इट्स नथिंग कुछ नहीं होगा आई हेल्थ माई मदर्स हैंड एज वी वॉक टू द डॉक्टर्स हाउस रोल बताते हैं कि अब मैं अपनी माँ मैंने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और हम दोनों डॉक्टर के यहाँ जाने लगे इट टुक अस अबाउट हाफ एन आवर रोल डायल बता रहे हैं कि मुझे और मेरी माँ को डॉक्टर के यहाँ जाने में कितना टाइम लगा मुझे एंड मेरी माँ को डॉक्टर के यहाँ जाने में आधे घंटे का टाइम लगा ऑल राइट ओके आगे देखो देर वॉज अ काइंड ऑफ डेंटिस्ट चेयर इन द सर्जरी एंड आई वॉज लिफ्टेड इन टू इट अब वो जो रोल डायल है वो बता रहे हैं कि हमें लगभग आधा घंटा लगा एंड हम लोग जो हैं एक बहुत ही दयालु किस्म के डेंटिस्ट का डॉक्टर है ना तो डेंटिस्ट के डॉक्टर के यहाँ मेरी माँ मुझे लेकर गई एंड जैसे ही हम वहाँ गए तो मुझे उठाकर जो डॉक्टर थे ना तो डॉक्टर ने रोलढहल को गोद में उठाया और उन्हें उस सर्जरी वाली चेयर में बिठा दिया जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख सकेंगे ये एक चेयर में बैठे हुए हैं ना ये जो दिख रहे हैं आपको ये है रोल्ड हेल जो एक सर्जरी चेयर में बैठे हुए हैं तो इस चेयर क्योंकि बहुत ऊँची रहती है इसलिए डॉक्टर ने उन्हें बिठाया है यहाँ पर ऑल राइट ओके सो वेर विज ओके वेर इज दैट ओके द डॉक्टर हैड अ राउंड मिरर स्ट्रैप टू हिज फोर हैड एंड अप माई नोज एंड इन टू माई माउथ मतलब रोल डैल अब जो कुछ भी वहाँ हुआ था उनके साथ हो रहा था वे हर एक बात को यहाँ पर शेयर कर रहे हैं और कहते हैं कि अब जब मुझे उस सर्जरी वाली चेयर में बिठा दिया गया तो मैंने देखा कि जब डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने अपने अपने सिर के चारों मतलब अपनी गर्दन में एक स्ट्रैप्ड मिरर लगा रखा था लटका रहा हुआ जैसे डॉक्टर नहीं चेकअप करने के लिए ऐसा कुछ रहता है एक साइड से हार्ट बीट चेक करते हैं एक साइड से देखने के लिए है ना तो इस तरीके से इस्ट्रेप्ड मिरर है जो कि डॉक्टर ने अपने नेक पर डाल रखा है एंड उसी मिरर के हेल्प से जो डॉक्टर है वो रोल डेल की क्या चेक कर रहा है रोल डेल की नोज़ नोज को चेक कर रहा है और उसी के साथ उसी के जरिए उसी मिरर को रोल डेल के मुंह में डालकर अंदर की तरफ उसका मुंह चेक कर रहा है अंडरस्टैंड क्या मैंने कहा रोल डेल अपनी नानी के यहाँ गर्मी की छुट्टियाँ बिताने आए थे तभी उनकी माँ ने उन्हें डॉक्टर के यहाँ ले जाने के लिए कहा और बताया कि शायद तुम्हें क्या है एडेरॉयड्स हो गया है इसलिए हमें डॉक्टर के यहाँ जाना होगा रोलडल काफ़ी डल डर गए लेकिन उन्होंने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और डॉक्टर के यहाँ चले गए जैसे ही वो डॉक्टर के यहाँ गए डॉक्टर से उनकी माँ ने बातचीत की तो डॉक्टर ने दिल को उठाया और सर्जरी वाली चेयर में बिठा दिया जब जहल ने डॉक्टर की तरफ देखा तो देखा कि डॉक्टर ने अपनी गर्दन पे एक स्ट्रिपड मिरर लटकाया हुआ रखा है जिसकी सहायता से वो जहल की नोज एंड माउथ को चेक कर रहे हैं ही देन टुक माय मदर असाइड एंड दे हैल्ड अ विस्पर कन्वर्सेशन हम रोल्डन ने बता रहे हैं कि अब मेरा मुंह एंड नोस चेक किया डॉक्टर ने और फिर क्या किया वो मेरी माँ को साइड में ले गए और मेरी माँ से कुछ बातचीत करने लगे आई शाम माई मदर लुकिंग रेदर ग्रिम बट बटशी इट मैंने देखा कि डॉक्टर ने मेरी माँ से कोई ऐसी बात कही जिसके कारण मेरी माँ बहुत ज़्यादा डर गई लेकिन मेरी माँ ने अपने डर को कंट्रोल किया एंड डॉक्टर ने शायद इलाज के लिए बोला था तो मेरी माँ ने डॉक्टर को इलाज के लिए हामी शी नॉर्डर मतलब उन्होंने अपना सिर हाँ के लिए हिलाया ओके The doctor now put some water to boil in an aluminium mug over a gas flame, and into the boiling water he placed a long thin shiny steel instrument. अब डॉक्टर बता रहे हैं सॉरी रोल डल बता रहे हैं कि जब मेरी माँ से उन्होंने कहा इलाज की बात हुई मेरी माँ ने हाँ कर दिया तो डॉक्टर आए डॉक्टर ने क्या किया डॉक्टर ने एक बड़ा सा बॉयल लिया जिसमें पानी रखा था एंड पानी से भरे हुए बॉयल मतलब कटोरे को जो एल्यूमिनियम का कटोरा जो था मग था वो कैसा था एल्यूमिनियम का मग था उसमें उन्होंने पानी उबलने के लिए रखा था एक बहुत तेज गैस की आग में गैस की फ्लेम मतलब गैस चालू की और उसमें एक एल्यूमिनियम का मग रखा उसमें पानी डाला और उबलने के लिए रख दिया एंड उसी के साथ डॉक्टर ने एक लॉन्ग थिन शीनी स्टील उठाई एक इंस्ट्रूमेंट तो अब क्या होता है डॉक्टर चेकअप करने के लिए जैसे इंजेक्शन यूज़ करते हैं या फिर और कोई औजार रहते हैं ना इंस्ट्रूमेंट मैक्सिमम टाइम तो इंजेक्शन ही रहता बट कभी कभी और कुछ भी होता है तो शायद यहाँ इंजेक्शन की बात की जा रही है तो डॉक्टर ने अपनी स्टील के इंस्ट्रूमेंट को निकाला एंड आई सेट देर वॉचिंग द स्टीम कमिंग ऑफ द बॉइलिंग वाटर स्टीम मतलब क्या होता है इस्टीम मतलब होता है भाप निकलना क्या होता है भाप निकलना ठीक है तो आ, जो रोल रेल है वो बता रहे हैं कि मैं तो सर्जरी वाली चेयर में बैठा था तो मैं वहाँ से देख रहा था कि किस तरह पानी के उबलने से पानी वास्पन के ऊपर निकल रहा है ठीक है और देखते हैं रोलजल क्या क्या बता रहे हैं अपनी स्टोरी में आई वॉज़ नॉट इन द लास्ट अप्रीहेंसिव अब रोलजल कहते हैं कि मुझे पता था कि मेरा साइड चेकअप होने वाला है मेरा ऑपरेशन होने वाला है लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं डरा अप्रीहेंशिव मतलब डरना ठीक है लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं डरा I was too young to realize that something out of the ordinary was going to happen. रोल रियल बता रहे हैं आप कि उस समय मैं बहुत छोटा था ये पता करने के लिए ये रियलाइज़ करने के लिए कि मेरे साथ कुछ साधारण सा नहीं होने वाला तब रोल्डर को लग रहा था ऐसा कुछ खतरनाक सा उनके साथ ऑपरेशन नहीं हो रहा है नॉर्मल सा चेकअप करने के लिए डॉक्टर ने यह सब निकाला है इसलिए रोल्डर को बिल्कुल भी डर अभी नहीं लग रहा था आगे देन अ नर्स ड्रेस्ड इन वाइट इन तभी अचानक से दरवाजा खुला एक नर्स आती है जिसने व्हाइट कलर की ड्रेस पहन रखी है शीवाज कैरिंग अ रेड रबर और उसके जो सिर पर है ना एक रेड रबर लगी हुई है एंड एप्रॉन अ कर्व्ड वाइट एनिमल बॉल एंड वो जो uh, क्या कहते हैं जो नर्स आई है उसने वाइट कलर की ड्रेस पहन रखी है एंड उसने जो एप्रॉन पहना है उस पर रेड कलर के कर्व्स बने हुए हैं एंड उसकी जो हैट है ना जो नर्स लगाती हैं तो उसमें रेड कलर के कर्व बने हैं हम अभी नेक्स्ट इमेज में उसे दिखा देंगे आपको एंड इसी के साथ साथ जब नर्स आई तो उसने एक बड़ा सा एनिमल बॉल लिया हुआ था एक कटोरा लिया हुआ था एंड साथ ही एक बहुत बड़ा सा कपड़ा उसे भी एप्रॉन ही कह देना चाहिए एक बहुत बड़ा सा एप्रॉन लेकर आई थी जिसे ढककर डॉक्टर रोल का ऑपरेशन स्टार्ट करने वाले थे राइट She was carrying a अ रेड रबर and एंड अ white animal सॉरी she was carrying a, ये तो हो गया है ना सी पुट द apron ओवर द फ्रंट ऑफ my बॉडी एंड टाइंड इट अराउंड my नेक मतलब टाइड मतलब होता है बांधना ठीक है तो रोल रोलजाल बता रहे हैं कि जो नर्स आई वो एक बड़ा सा ऐपरॉन लेकर आई थी है ना और एक कटोरा भी लेकर आई थी बड़ा सा बेसन का तो नर्स ने एप्रॉन उठाया और रोल डहल के ऊपर इतने अच्छे से डाल दिया कि वो पूरे ढक गए क्यों ढक गए क्योंकि जो एपरॉन थी वाइट कलर की वो बहुत बड़ी थी जैसे आपने देखा होगा ना टीवी में जब हम देखते हैं किसी का इलाज करते हैं डॉक्टर तो उसे एक एपरॉन ऊपर से पहना देते हैं जो बहुत बड़ी सी होती है कभी कभी हल्की ब्लू कलर में होती है कभी कभी वाइट कलर की भी होती है तो इसी तरह की ड्रेस रोल डहल को यहाँ पर पहना दी गई किसके जरिए नर्स के जरिए ओके ऑल राइट इट वॉज फॉर टू बिग रोलढल बताते हैं कि वो जो एप्रॉन मुझ मेरे ऊपर डाली गई वह बहुत क्या थी बड़ी थी देन शी हैड द एनिमल बॉल अंडर माई चिन अब क्या हुआ उसके बाद रोलढल बताते हैं कि इसके बाद जो नर्स है वहाँ की नर्स ने जो बॉल लिया था ना, कटोरा लिया था उस कटोरे को मेरी चिन के नीचे रख दिया चिन क्या होता है हमारा फेस के ये जो नीचे का एरिया होता है ना चिन तो मेरी चिन के नीचे रख दिया आगे देखो The curve of the bowl fitted perfectly against the curve of my chest. कहते हैं रोल झेल की कर्व को मतलब आ, कटोरी को इतने अच्छे से मेरी नीचे के नीचे सेट किया गया कि वो मेरे चेस्ट से क्या कर रहा था चेस्ट के सीट में ही था इसके आगे देखते हैं डॉक्टर वॉज बैंडिंग ओवर मी अब रोल टेल बताते हैं कि ऐसा कुछ हुआ उसके बाद क्या हुआ जो डॉक्टर आए और वो मेरी तरफ झुके क्योंकि बच्चा छोटा है तो डॉक्टर को तो झुकना पड़ेगा है ना इन हीज़ हैंड ही हैल्ड दैट लॉन्ग सीनी स्टील इंस्ट्रूमेंट और जब डॉक्टर मेरी तरफ झुके तो उन्होंने अपने हाथ में एक बड़ी सी लॉन्ग शनी स्टील मतलब एक बड़ा सा इंजेक्शन या फिर एक औजार जैसे हमारे मुँह के अंदर कुछ हो जाए तो इंजेक्शन से तो निकालेंगे नहीं है ना वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं औजार होते हैं जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं तो उन्हीं औजारों को मुंह में के अंदर डालकर कुछ गिल्टी जो हुई हैं उन्हें वो निकालने वाले हैं डॉक्टर तो वही बता रहे हैं रोल्डहेल डहल कि डॉक्टर ने मेरे मुंह अब हाथ में अपने एक बड़ा सा औजार लेकर आए हैं जो दिखने में बहुत पैना दिख रहा है ही हैल्ड इट राइट इन फ्रंट ऑफ माई फेस रोल कहते हैं कि वो जो डॉक्टर ने एक पैनासा तेज धार वाला इंस्ट्रूमेंट लिया है उन्होंने उसे मेरे फेस के सामने रख दिया एंड टू दिस डे आई कैन स्टिल डिस्क्राइब इट परफेक्टली और उस दिन मेरे साथ क्या हुआ मैं बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर सकता हूँ इट वाज अबाउट द थिकनेस एंड लेंथ ऑफ पेंसिल एंड लाइक मोस्ट पेंसिल्स इट हैड अ लॉर ऑफ़ साइड्स टू इट उसके बाद रोल बताते हैं कि वो जो लॉन्गसनी स्टील थी ना इंस्ट्रूमेंट जो एक औजार की हम बात कर रहे हैं तो उनमें से एक इंजेक्शन भी था वहाँ पर तो कहते हैं कि बिल्कुल पेंसिल से भी पतला दिखने में पेंसिल जैसा ही दिख रहा था दोनों साइड से उसमें ब्लेड्स वगैरह भी लगे हुए थे टुअर्ड्स द इन द मेडल मेटल बी मच थिनर एंड एट द वेरी ऑफ द थिन बिट ऑफ मेटल देयर वाज अ टनी ब्लड शेड एट एन एंगल बता रहे हैं कि जैसे एक इंजेक्शन का नज़रिया होता ना इंजेक्शन जैसा ही कुछ था शुरू में बहुत पैना था बीच में पेंसिल जैसा था एंड उसी में कुछ मेटल भरा हुआ था एंड जो नीचे ट्राइंगल के रूप में बहुत सारी पतली 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 क्या लगी हुई थी ब्लेड्स लगी हुई थी विच वॉज़ वेरी स्मॉल वेरी शार्प एंड वेरी टिनी जो कि बहुत ज़्यादा तेज धार वाली थी और बहुत चमकीली थी आगे ओपन योर माउथ द डॉक्टर सेड डॉक्टर ने कहा अपना मुँह खोलो स्पीकिंग नॉर्वेन जो डॉक्टर है ना वो नॉर्वे के रहने वाले हैं तो उन्होंने अपनी नॉर्वेन लैंग्वेज में कहा अपना मुँह खोलो डैल आई रिफ्यूज रोल डैल ने कहा मैंने मना किया आई थॉट ही वॉज गोइंग टू डू समथिंग माई टीथ एंड एवरी थिंग एंड वन हर आवर डन टू माई टीथ एंड हैड बीन पेनफुल रोल डैल ने कहा कि जब डॉक्टर ने मुझसे मुंह खोलने के लिए कहा तो मैंने साफ साफ रिफ़्यूज़ कर दिया मैंने साफ साफ मना कर दिया एंड मैंने कहा कि मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग मेरे दांत के दांतों के साथ कुछ करने वाले हैं और जो कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द देगा इसलिए मैं तो अपना मुँह नहीं खोलूँगा हर बच्चा जैसे डॉक्टर के सामने यही कहता है ना सूजी भी लगानी हो तो नहीं 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 हम सूजी नहीं लगवाएंगे आप हमें दवा दे दो इसी तरीके से रोल डैल का कुछ यहाँ पर बिहेव दिख रहा है इट टेक इंट सेकेंड्स द डॉक्टर सेड ही स्पोक जेंटली डॉक्टर ने बहुत जेंटल लैंग्वेज में कहा डेल सिर्फ दो सेकेंड का समय होगा इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसलिए बेटा अपना मुँह खुलो आई वॉज से चूज्ड बाय हिज वॉइस डॉक्टर के बोलने की वॉइस आवाज इतनी अच्छी थी इतनी जेंटल थी कि रोल डेल मान गए और उन्होंने अपना मुंह खोल दिया एंड लाइक एन एस आई ओपन माय माउथ डॉक्टर की वॉइस सुनकर आवाज़ सुनकर रोल डेल ने ऐसे मुंह खोला जैसे कि कोई गधा अपना मुंह खोलता है <laughs> यहाँ रोलडेल ने खुद को क्या बोला है गधा बोल है ना द टनी ब्लेड फ्लैश इन द ब्राइट लाइट एंड डिसअपेयर इन टू माई माउथ कहते हैं कि डॉक्टर ने अपनी जो टिनी ब्लेड थी ना जो ब्लेड जैसा कुछ लगा हुआ था उनके औजार में इंस्ट्रूमेंट में उस इंस्ट्रूमेंट को डॉक्टर ने मेरे मुंह के अंदर डाला और उस इंस्ट्रूमेंट में जो पतली पतली तेज धार वाली ब्लेड्स लगी हुई थी उन वे ब्लेड्स मेरे मुंह के अंदर गई और मेरे मुँह के अंदर जो एक्स्ट्रा फ्लैश एक्स्ट्रा मांस था उसे काट दिया मतलब ऐसे अंदर डाला कि ऐसा लग रहा था रोल डाल को कि भी हो गई वो सीनी स्टील तो दिखना ही बंद हो गई उन्हें इट वेंट हाई अप इन टू द रूफ ऑफ माई माउथ अब यहाँ पर जो रोल डाल हैं वे कह रहे हैं कि डॉक्टर ने इतने अंदर की तरफ डाला कि मुझे लगा कि वो लॉन्ग सीनी स्टील मेरे मुंह के अंदर ही घुस गई है और मेरे मुंह में बहुत अंदर चली गई है It went high up into the roof of my mouth, and the hand that held the blade gave for. Wait a moment. Or picture. image And for five very quick little twist and the text movement out of my mouth into the basin cam. टम्बलिंग अ होल मैश ऑफ फ्लेस एंड प्लड यहाँ पर जो रोल रहा है, वो बता रहे हैं कि डॉक्टर ने जैसे ही टिनी स्टील मेरे मुंह के अंदर डाली नर्स भी मेरे साइड पर ही थी जो डॉक्टर को हेल्प कर रही थी इलाज करने के लिए तो डॉक्टर ने मेरे मुंह के अंदर सीनी स्टील डाली तो मुझे ऐसा लगा कि वो जो स्टी सीनी स्टील मतलब जो इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर ने डाला था मुंह में वो बहुत अंदर तक चला गया है और इतने अंदर चला गया है कि उन्हें दिखाई भी नहीं दे रहा कम से कम चार से पांच बार डॉक्टर ने ये किया अगले ही क्षण और थोड़ी ही देर में उन्होंने इंस्ट्रूमेंट को उसके मुँह से बाहर निकाल लिया एंड उसके अब देखो रोल डैल के मुंह से अब उन्होंने इंस्ट्रूमेंट निकाला तो इंस्ट्रूमेंट निकाला तो क्या था रोल डैल का जो मुंह था वहाँ पे कुछ मास एक्स्ट्रा एडिट था तो जो एक्स्ट्रा मास था फ्लैश था वो उस सीनी स्टील में फस गया तो जो सीनी स्टील में फ्लैश फंसा है उस फ्लैश को डॉक्टर ने निकाला और वहाँ एक बॉल था बेसन बॉल था उसके अंदर रख दिया टंगलिंग का क्या मतलब होता है टंगलिंग का मतलब गिराना गिरा दिया जैसे डॉक्टर ने हमारे मुंह में कोई अपना इंस्ट्रूमेंट डालते हैं वहाँ से कुछ फ्लैश एक्स्ट्रा फ्लैश निकलता है तो उसको ऐसे पकड़ के एक कटोरा होता है ऐसे व्हाइट वाइट सा बिल्कुल बेसन कलर में उसमें डाल देते हैं तो इसी तरह से उन्होंने डाल दिया अ होल मैस ऑफ एंड ब्लड और रोल ढहल के माउथ को उस बेसन के बाउल उस कटोरे के पास मतलब नवाकर खड़ा करवा दिया ताकि वो जैसी रोल डेल अपना मुंह खोले उनके मुंह के अंदर जो एक्स्ट्रा मांस है एक्स्ट्रा फ्लैश जमा हुआ है और जो खून है कटिंग के कारण वो सब निकल कर उस बेसिन के बॉयल में रख जाए ठीक है ऑल राइट आई वॉज टू शॉकड एंड आउट रेज टू डू एनीथिंग बट हेल्प डॉक्टर रोल कहते हैं कि मैं ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान था मैं कुछ कह ही नहीं सकता था कुछ निकल नहीं रहा था बस मैं एक चीज़ कर सकता था वो था कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी दर्द हो रहा था आई वॉज़ हॉरीफाइड बाई द ूज डेट लर्मस दैट हैड फॉलन आर ऑफ माई माउथ इन टू द वाइट बेसन एंड माई फर्स्ट थाट वॉज देट द डॉक्टर हैड कट आउ द होल ऑफ़ द मिडिल ऑफ माई माउथ रोल डाल कहते हैं कि जब बेसन की तरफ मेरा मुँह किया गया तो मेरे मुँह से बहुत ज्यादा फ्लैश के पीसेस फ्लैश के टुकड़े गिरे एंड टुकड़ों के साथ साथ मेरे मुंह से बहुत ज़्यादा खून भी गिरा जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर ने रोल डैल के मुंह का जो अपना जबड़ा होता ना मुंह का ऐसा पूरा तो सॉरी इनके मुंह का नहीं मुंह का जैसे जो अपना एरिया होता है जीप के ऊपर और नीचे का तो रोल डो, ढल कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे जीप के नीचे का जो एरिया होता है ना डॉक्टर ने सीनी स्टील से निकाल दिया हो पूरा का पूरा इसलिए इतना खून गिर रहा है Those दोज वर एडनॉय heard the doctor saying. तभी डॉक्टर ने मुझसे कहा रोल डहल घबराते नहीं ये कुछ नहीं है बल्कि ये तुम्हारे एडेनॉइड्स हैं जो तुम्हारे मुंह पर हो गए थे एडेनॉइड्स मतलब क्या बताया था ये गिल्टी हैं जो तुम्हारे मुंह पर हुई थी आई सेट देर गैसपिंग तो रोलडहल उतने टाइम ये ऐसा सुनकर उसी सर्जरी वाली चेयर में सिकुड़ कर और बैठ गए द रूफ ऑफ़ माई माउथ सीम्ड टू बी ऑन फायर रोलडहल कहते हैं कि इलाज के बाद मेरा मुँह ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे मुँह के अंदर किसी ने आग लगा दी हो आई ग्रैब्ड माई मदर्स हैंड एंड हैल्ड ऑन टू इट टाइट रोलडहल कहते हैं कि तभी मैंने अपनी माँ को हाथ जोर से पकड़ा आई कुड नॉट बिलीव दैट एनी वन वुड डू दिस टू मी रोल डेल कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि कोई मेरे साथ भी ऐसा कर सकते हैं छोटे से बच्चे के साथ स्टे वेर यू आर द डॉक्टर सैड यू विल बी ऑल राइट एन अ मिनट अब रोल डेल डर रहे थे अपनी माँ का हाथ जोर जोर से बार बार पकड़ रहे थे तो डॉक्टर ने कहा अरे डेल आप कहाँ जा रहे हैं आप यहीं बैठो अभी कुछ ही देर में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे हंसने लगेंगे सारा दर्द गायब हो जाएगा ऐसा डॉक्टर ने कहा blood was still coming out of my mouth and dripping into the basin the nurse was holding it spit it all out she said there's a good boy ab roll dal kya tha roll dal ke muh se abhi bhi jo muh se jo mask ke tukde the फ्लैस के जो pieces थे वे गिर रहे थे and उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा ब्लड भी ड्रिपिंग बूंद बूंद करके गिर रहा था तभी नर्स ने वो जो बेसन था ना कटोरा था बेसन वाला उस कटोरे को रोल डेल के मुंह के नीचे रखा हुआ था पकड़ा हुआ था और रोल डेल से कहती हैं कि डहल अपने मुंह के अंदर का जो फ्लैश जमा हुआ है मुंह खोलो और उसे बाहर की तरफ थूको और जब मैंने ऐसा किया तो नर्स ने मुझे कहा ये हुई ना अच्छी बात यू आर अ गुड बॉय डहल ऐसा किसने कहा नर्स ने कहा, कहा डैल को ओके यू विल बी एबल टू ब्रीथ मच बैटर थ्रू योर नोज आफ्टर दिस द डॉक्टर सैड डॉक्टर ने कहा कि बस तुम सांसें लेते चलो अभी थोड़े ही देर में तुम बिल्कुल अच्छे हो जाओगे और बहुत आसानी से अपनी नोज के जरिए तुम सांसें ले सकोगे द नर्स विप्ड माई लिप्स एंड वॉस्ड माई फेस विद अ वैश फ्रेनल रोल रेल बताते हैं कि उस इलाज के बाद जो नर्स थी हमारे मतलब वहाँ की नर्स ने एक फ्लैनल लिया फ्लैनल से मेरे लिप्स को एंड मेरे फेस को वॉश करके वेट किया सुखाया दैन द लिफ्टेड मी आउट टू द चेयर और इसके बाद रोल को चेयर से उठा दिया गया उतार लिया गया एंड स्टूड मी ओनली ऑन माई फीट और उन्हें उनके पैरों पर खड़ा कर दिया गया आई फेल्ट अ बिट ग्रॉगी डॉक्टर रोल डल कहते हैं कि जब मुझे कुर्सी से नीचे उतारा गया तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे चक्कर आ रहे हों। ऑल गेट यू होम माई मदर सेड मेरी माँ ने कहा टेकिंग माई हेड मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा चलो डहल अब हम घर की और चलेंगे डाउन द वी वेंट एंड ऑन टू द स्ट्रीट रोल ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा वी सी स्टेयर मतलब होता है सीढ़ियाँ ठीक है सीढ़ियों पर नीचे की तरफ आए और रास्ते में निकल गए वी स्टार्टेड वॉकिंग रोल और उनकी माँ ने चलना शुरू किया आई सैर वॉकिंग हमने चलना शुरू किया नो ट्रॉली कार और टैक्सी यहाँ तक कि भले मेरा इलाज हुआ था लेकिन हमने ना कोई टैक्सी बुलाई ना ही कोई ट्रॉली बुलाई We walked the full half-hour journey back to my grandparents' house. रोल ढाल बताते हैं कि मेरे दादा दादी के घर पहुंचने के लिए हम लोगों ने लगातार आधे घंटे तक चला एंड फाइनली हम घर पहुंच गए एंड we वी at least और अंततः हम अपनी दादी के यहाँ पहुंच गए I can remember as clearly as nothing my grandmother's thing मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से याद है कि ऑपरेशन के बाद जब मैं घर आया तो मेरी दादी माँ ने मुझसे क्या कहा लेट इन द चेयर एंड रेस्ट फॉर अ वाइल आफ्टर ऑल हीज़ ही हैज़ हैड एन ऑपरेशन मेरी दादी ने किसी को बुलाया और कहा जल्दी से आके कुर्सी खिसकाओ और बेटा रोल डेल तुम कुर्सी पर बैठो और थोड़ा सा क्या करो रेस्ट करो आखिरकार तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है एंड शम वन प्लेसड चेयर फॉर मी बिसाइड माई ग्रांड मदर्स आर्म चेयर एंड आई शट डाउन रोल्डर बताते हैं कि तभी मेरे घर से ही किसी ने एक चेयर खिसकाई जो कि मेरी दादी की आर्म चेयर के बाजू में रखी और मैं उस चेयर में बैठ गया जैसे कि यहाँ पर आपको देखना है ना रोल्डर और दादी बैठे हुए हैं माई ग्रांड मदर रीस्ड ओवर एंड डिस्कवर्ड वन ऑफ माई हैंड्स इन बोथ ऑफर्स मेरी दादी माने मेरे हाथों की यहाँ पर जैसे दादी माँ बैठी है ना और ये रोल डहल के हैंड है तो दादी माँ ने अपने हाथों को रोल डहल के हाथों के ऊपर रखा जैसे सलाहना देने के लिए अपन करते हैं ना हाथ रख सिर पे रखते हैं हाथों पे ताकि सामने वाले को अच्छा लगे तो उनकी दादी ने अपने हाथों को रोल डहल के हाथों पर रखा और उन्हें सांत्वना देती रही कि कुछ नहीं होगा तो मैं अब भी अच्छा लगने लगेगा देट वॉन्ट बी द लास्ट टाइम यू गो टू अ डॉक्टर इन योर लाइफ सी सैड तभी मेरी दादी ने कहा कि बेटा तुम अगली बार से कभी डॉक्टर के यहाँ मच जाना अब तुम्हें डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना होगा एंड विथ अ बिट ऑफ लक ये तो तुम्हारा बेटा किस्मत अच्छी थी दे वॉन्ट डू यू टू मच आम कि तुम्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ तुम्हें ज्यादा चोट नहीं आई देट वॉज इन 1924 उस समय जो ईयर चल रहा था 1924 का समय था और आज तो अपन 2020 में है कितने पुराने समय की बात है ना 1924 की बात है एंड टेकिंग आउट अ चाइल्ड्स एडोनेट्स जब एक छोटे से बच्चे के एडोनेट्स मतलब गिल्टी को पहली बार निकाला गया है एंड ऑफ ऑन दैट टॉन्सल्स एज वेल विदाउट एनी एनेस्थेटिक वॉज कॉमन प्रैक्टिस इन दोज डेज उस समय एनेस्थेटिक मतलब हमारे अंदर जो गिल्टियाँ होती हैं वगैरह बिना बेहोश किए लोगों का अच्छा आजकल आप लोगों ने देखा है क्या लोगों को बिना बेहोश किए कभी किसी का ऑपरेशन किया जाता है नहीं किया जाता ना लेकिन रोल डेल के टाइम पे नाइनटीन ट्वेंटी फोर के टाइम पे रोल डेल के बिना बेहोश किए उनके मुंह का ऑपरेशन किया गया और उनकी गिल्ठी को एडेनॉइड को बाहर निकाल कर फेंक दिया गया आई what you could think if some doctor did that to you today. कोई ऐसा कैसे कर सकता है तो ये थी एक स्टोरी जो कि रोल रहल ने बताई है अपने बारे में कि उनके साथ बचपन में जब वे अपनी दादी के यहाँ घूम गुम, घूमने के लिए गए थे गर्मी की छुट्टियाँ मनाने गए थे तो उनके साथ क्या हुआ था आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी यदि आपको स्टोरी समझ में आई है सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं एंड यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें जय गुरुदेव